अरे रुक रुक सर 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 मेरे पास तो सारे पेपर्स हैं, फिर भी आपको कांस्टेबल पैसे। चुपचाप फाइन भर दे। पट गई। हंसी क्यों? सुना नहीं हंसी तो फंसी। हंसकर अपनी फीलिंग शो मत करो। ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं, समझ गई ना? हाँ, बदमाश होते हैं, धोखेबाज होते हैं। सर सर, मेरी माँ का इमरजेंसी ऑपरेशन है, मुझे जाने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। ऑटो हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। रुक, कहाँ जा रहा है? चल निकल। सर ये क्या कर रहे हैं? तू हट, पीछे मत आ, चल। सर इसे हॉस्पिटल जाने दीजिए, ये मर जाएगा। मरता है तो मरने दे। तू इसको हॉस्पिटल लेके जा। गलत है, किसी घायल को मदद ना करना गलत है। सर मैंने उसे मारा क्योंकि वो आदमी मर जाता। सर मारो मत। पुलिस वाले पर हाथ उठाता है तू? मत मारिए इसे, इसने गलती ही क्या की है? इसने मरते हुए आदमी को बचाया, ये देखा नहीं आपने? मारता है, अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। जानते हो किस पर हाथ उठाया तुमने? चीफ मिनिस्टर का आदमी है। यू आर सस्पेंडेड नाउ, कल ऑफिस आ जाना। माफ कर दो, इंस्पेक्टर की गलती थी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आखिर कौन है ये जिसके लिए मिनिस्टर खुद चलकर आई और मुझे सस्पेंड कर दिया? लेकिन सर ये तो अनाथ है। अनाथ नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कोई राज है। मैं टपोरी जैसा दिखता तो हूं पर एक अच्छा इंसान हूं, सच में। चलो फटाफट शादी करते हैं। इतनी जल्दी? कुछ दिन एक दूसरे को समझ तो ले। समझने का मतलब क्या है? एक दूसरे को 150 SMS भेजना, 100 बार फोन करके पूछना तुमने खाना खाया कि नहीं, खाया तो खाने में क्या खाया, आज तुमने कौन सी ड्रेस पहनी है, रात को तुमने मुझे मिस किया, सो गए क्या, इतनी जल्दी कैसे सो गए, क्यों सो गए, उठो मेरे साथ बात करो, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट। ये बेकार की बातें मेरी समझ में नहीं आती, उससे अच्छा सीधा शादी कर लो और पूरी क्रिकेट टीम धड़ाधड़ तैयार कर लो। IPL में जाओ तो खुद के घर की टीम के साथ, अच्छा आइडिया है ना? क्यों? एक दर्जन बच्चे। हाँ? धड़ाधड़। हाँ? एक बात बताओ, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड? अरे मेरे अकाउंट में 65 लाख रुपए है। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं MGM कंस्ट्रक्शन के मालिक रमेश सिंह की बेटी हूँ। हमारा 6,000 करोड़ का एम्पायर है। तुम्हें बचाने के लिए मैंने डैडी को फोन करके स्टेट होम मिनिस्टर को बुलवाया। 6,000 करोड़? सोचो अगर 6,000 करोड़ में 65 लाख मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। वो सब तो ठीक है,
लेकिन पहले मेरे पापा तुम्हारी फैमिली से मिलेंगे। फैमिली से? लेकिन फैमिली क्यों? अरे मेरे पापा तो एक कुत्ते को खरीदने से पहले भी उसकी 7 जनरेशन का रिकॉर्ड खुद चेक करते हैं। कुत्तों का तो ठीक है, लेकिन दामाद का रिकॉर्ड क्या चेक करना है? तुम्हारी कोई फैमिली है या नहीं? नहीं है तो मुझे भूल जाओ। ये तो गड़बड़ हो गई। अब बैकग्राउंड के बारे में सुनोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे फैमिली का नाम सुनते ही चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर कांपने लगता है। तुम रॉयल फैमिली से हो? अपनी तो कोई फैमिली नहीं है। यस, रॉयल फैमिली से हूँ। ठीक है, तो अपनी फैमिली को मेरे पेरेंट्स से मिलाओ, ठीक है? रॉयल फैमिली, फेंक ले साले, तू है तेरी जिंदगानी पर। रॉयल का स्पेलिंग नहीं आता, रॉयल फैमिली से हूँ। अब रॉयल फैमिली कहाँ से लाऊं? सुधा, वो अंदर जा। हम कहे थे कि कोई लड़का पैदा नहीं करेगा हमारे इलाके में। अगर मर्द पैदा होगा तो सिर्फ हमारे घर में, अपनी जान प्यारी नहीं। अरे साहब, ये बच्चा लड़का नहीं, लड़की है। लड़की है साहब, हम सच बोलते हैं। लड़की तो पहले कहीं नहीं बताया। भैया ये तो लड़का है। साहब हमको माफ कर दो, हमसे मार दो बच्चे को। अबे छोड़ दो, बात छोड़ दे, छोड़ दो साहब, छोड़ दो, बोल हो गए, छोड़ दो। ए प्रभु, ये कैसा जाए, सब खत्म कर डाला रे। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, तुमने एक बेकसूर माँ की कोख को उजाड़ा है। इसकी सजा तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को मिलेगी। ये एक बेबस माँ का श्राप है, देखना तुम्हारे परिवार में कोई कंधा देने वाला नहीं बचेगा। क्या हुआ बे? एक ब्रेकिंग न्यूज लाया हूँ। देवगढ़ का सूर्यवंशी परिवार एक नौजवान को गोद लेना चाहता है। एक ऐसा लड़का जो युद्ध कला में माहिर हो, जो मर भी जाए तो उसके पीछे रोने वाला कोई ना हो, ऐसे लड़के को वो गोद लेना चाहते। बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। सर, गुड मॉर्निंग सर। झुक कर। ये क्या बोल रहे हो सर? राजाओं के सामने झुक कर नमस्ते किया जाता है, झुक कर बोलो। ओके, इतना झुक कर चलेगा? लड़का आ गया। यही है लड़का। लगा था खली जैसा लंबा चौड़ा होगा, निकला पिद्दी सा। तुम्हारे सामने तो खली लगता हूँ। सर, कुल, माफ कर दीजिए। अरे क्या कर रहा है यार, खेल शुरू होने से पहले ही दी एंड। इस पाव किलो से डरने वाला नहीं हूँ मैं। शुक्र। सर ये क्या है ना, इसके जबान में हड्डी नहीं है। साला पाव किलो मुझे पिद्दी बोलता है। लड़के, ये देवगढ़ के राजा हैं। नमस्ते सर। उन्हें अपना नाम बताओ। जग्गू। सरनेम? एम। सिर्फ एम से क्या मतलब है तुम्हारा, पूरा नाम बताओ। एम का मतलब मैं खुद। खुद मतलब? खुद मतलब मैं सर। अगर मेरे पास घर होता, सरनेम होता तो यहाँ क्यों आता? सर मैं सच बोलता हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। नाम और घर के बदले में तुम क्या चाहते हो? बदले में मैं आपसे क्या लूंगा सर, जब से मैंने होश संभाला है खुद को अकेला पाया। मुझे तो यह भी नहीं पता कि माँ का प्यार क्या होता है, परिवार क्या होता है। आप अपनों का प्यार दीजिए, वही काफी है। और ऐसे परिवार की रक्षा करते हुए अपनी जान भी दे सकता हूं सर, क्योंकि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। मैं जिस घर में जाऊंगा ना, वहां का एक एक सदस्य मुझ पर फक्र करेगा। मैं उन सबको बहुत प्यार दूंगा, सबके साथ मिलकर रहूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा सर। हाँ
बेटे, एक माँ की बेबसी को देखकर, लोगों के विश्वास को देखकर, एक लाचार और मजबूर बाप ने एक मरा हुआ बच्चा सबके लिए जिंदा रखा हुआ है, और तुम वही बच्चे हो। तुम्हें अपने पिता के दिए हुए वचन को निभाना है। आज के बाद तुम ही बात को हमेशा के लिए भूल जाना कि तुम गोद लिए गए हो। अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लो। इस अग्नि को साक्षी मानकर मैं इस बात की शपथ लेता हूं कि मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी हूं, और अपनी जान देकर भी मैं अपने राज्य के लोगों की रक्षा करूंगा। आज से तुम्हारा नाम राजा सूर्य नारायण प्रताप सिंह है। बेटे को पाकर खुश हो रहे हैं। इन्हें क्या पता बेटा ने बॉम्ब गोद लिया। बुरा मत मानो यार, तुम एक एटम बॉम्ब हो, चलता फिरता बॉम्ब। तू ज्यादा परेशान मत हो, सब बड़े प्यार से होगा। मतलब तुम सबको बड़े प्यार से साफ करोगे। राजकुमार सूर्या जी। नाना आदर से बोलो। आज्ञा दीजिए नाना जी। ये हमारे राजकुमार हैं, आगे से यही सारा हिसाब किताब देखेंगे। 2.5 लाख का बिल है इनका, और 50,000 का टिप है, इनका पेमेंट कर। 3 लाख। नमस्कार। थैंक यू सर। जिंदगी में पहली बार राजा बने हो ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जल्दी से बिल चुका दो। तू देख रहा है ये क्या कर रहा है? ये तो मुझे धो डालेगा। आगे से या पीछे से? अभी तो मैं। तूने मुझे भिखारी बनाने के लिए राजा बनाया, एक झटके में बैंक बैलेंस से 3 लाख चले गए। अरे थोड़ा थोड़ा बाट, बाद में बड़ा बड़ा अंदर खींच। कर बकवास कर रहा है, अब क्या करूं बोल। अरे बिल भर और क्या। तुझे तो नहीं, नहीं, नहीं। अरे यार तू अभी राजकुमार बन गया, ये चिंदीगिरी छोड़ दे। मेरा लॉस रिकवर होगा। 100%।